नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड 24/7। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। हमारे विरोधी हैं वो लोग जो है अपने आप को मान चुके हैं कि हमारी जो है उन लोगों की मतलब उन लोगों की पराजय हो चुकी है। वो उसी से भयभीत होकर इस तरह के जो गंदा प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं किसी भी अपने देवतुल्य जो मेरे मतदाता उनके इस तरह का कोई भी मेरे द्वारा किसी भी तरह का कोई भी वक्तव्य नहीं दिया है। साजिश हो सकती है बिल्कुल। वो लोग उन्होंने मान लिया कि उन लोगों की हार हो गई है और उस हार के डर की वजह से इस तरह की वो घटनाएं करा रहे हैं। वो लोग हैं जो भ्रांति फैला रहे हैं। अब जो भी लोग उसको चला रहे हैं उस बारे में तो मैं किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो लोग इस बात से डर चुके हैं। आपकी ओर से इसमें क्या कार्रवाई होगी? हम लोग की जो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अनुशासनित पार्टी है तो हमारी जो चुनाव की कोर कमेटी है, जो हमारी कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी बैठेगी। बैठने के बावजूद उसमें इसमें वार्ता होगी। जो भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये स्कॉलरशिप गलत काम है? स्कॉलरशिप का कोई मामला ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज तक मेरे पास किसी भी कोर्ट का कोई नोटिस ही नहीं है। और जबकि लोग बात कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ आप मैंने सुना है कि तो उसमें भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि कोई इस तरह का मेरे पास कोई वो ही नहीं है कोई इस तरह का नोटिस। आपको बदनाम करने की साजिश? बिल्कुल बदनाम करने की साजिश है। वो लोग अपने आप को मान चुके हैं कि वो पराजित हो गए, क्योंकि इस बार कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलने के लिए जा रहा है और कमल का फूल ही बहुत भारी बहुमत से जो विजय हासिल होगी उसको, तो इसीलिए लोग वो भयभीत होकर इस तरह की झूठी बातें जो समाज में मुझे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। छवि तो नहीं खराब होती, क्योंकि लोग बाग उनकी मानसिकता जानते हैं कि उनके लोगों की मानसिकता क्या है। इसी से उनका मालूम हो रहा है कि वो कितनी तुच्छ राजनीति करते हैं और वो जो किस तरह की जो राजनीति करते हैं, उनकी जो आईक्यू लेवल क्या है, उनका उनकी सोच क्या है, इसी से मालूम हो रही है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर से पीराम कलियर की जो आवाम है, जनता है, उससे क्या अपील करना चाहेंगे कि ये जो खबरें आ रही हैं उनके बहकावे में ना आए? बिल्कुल, मैं अपने देवतुल्य जितने भी मेरे मतदाता कलियर विधानसभा के उनसे जो विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह की गलत अफवाह फैला रहे हैं उनके बहकावे में ना आए। और बिल्कुल जो इस बार क्योंकि हम लोग समर्पण के साथ में और विकास के लिए कलियर विधानसभा में लगे हुए हैं, सब लोग जो है अपना मत हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता कमल के फूल के हक में पोलिंग स्टेशन पर जाकर करें, क्योंकि वो लोग गलत अपनी इच्छा से इस तरीके से आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कोई भी अपना भ्रमित ना हो। आप जिस तरीके से भाजपा में आस्था रखते हैं, मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इससे विपक्षी बौखला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो लोग मैंने बताया ना आपको, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी पराजय हो गई है, वो लोग इस बार यहाँ से जीत नहीं सकते, तो इसलिए वो लोग बौखला के इस तरह के गलत बयानबाजी करा रहे हैं। ये सारी सोची समझी साजिश है? नहीं, अब उनकी सोची सारी समझी होगी मैं ये तो कह नहीं सकता, लेकिन वो गलत बयानबाजी करा रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना चाहिए, उन कभी भी, क्योंकि हमारा देवतुल्य मतदाता होता है उस